Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand three name reaction from chapter called nitrogen containing compounds. ठीक है, हमारे जो nitrogen containing compounds है उनकी जो तीन main name reaction है उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो उन जो तीन name reaction है उनका नाम याद रखना भी काफी important बात है. ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए हमने एक sentence बनाया है. Sentence जो है हमारा वो कुछ इस तरह से है, that is सच में गब्बर होना भाई. ठीक है, इस सेंटेंस के हेल्प से हम हमारी जो तीन मेन रिएक्शन है, तीन जो नेम रिएक्शन है उसका नाम लिखेंगे और फिर बाद में उसको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो पहली जो नेम रिएक्शन है हमारी, दैट इज सच में से हो गया हमारा स्मिथ रिएक्शन. ठीक है, स्मिथ रिएक्शन. ठीक है, दूसरी जो है हमारी, दैट इज गैब्रियल गैब्रियल थैला माइड रिएक्शन. ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन. और लास्ट की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज हॉफमन हॉफमन ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड रिएक्शन या फिर डिग्रेडेशन. ठीक है, इन तीन मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आप बने रहिए. ठीक है, तो वन बाय वन करके काफी अच्छे से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहली जो रिएक्शन है हमारी, दैट इज उसको हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्मिथ रिएक्शन. इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, आर COH, ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा, हम उसको किसके साथ रिएक्ट करते, दैट इज N2H, मतलब हमारा हाइड्राजोइक एसिड. ठीक है, उसके साथ हम उसको रिएक्ट करते, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 along with the heat. ठीक है, एक बार फिर से मैं बताऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्राजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हमें मिलता है RNH2 along with CO2. यहां से क्या होता है हमारा, CO2 निकल जाता है. ठीक है, और यहां से हमारा नाइट्रोजन, दैट इज N2. ठीक है, इस तरह से इस रिएक्शन में हमें क्या होता है, देखिए, द कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्राजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हमें मिलता है, दैट इज प्राइमरी अमाइन. ठीक है, तो चैप्टर भी कौन सा चल रहा है अपना, अमाइन. ठीक है, और उसके साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस. ठीक है, तो इस तरह से ये थी हमारी स्मिथ रिएक्शन. ठीक है, द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्राजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वी गेट प्राइमरी अमाइन अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस. सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्मिथ रिएक्शन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्मिथ रिएक्शन. ठीक है, लिख लो इसको आप, आई होप आपने लिख लिया होगा. इसके बाद हम समझेंगे हमारी जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन है, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन. ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन दूसरे नंबर की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में की. ठीक है, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन. ये भी रिएक्शन प्राइमरी अमाइन को सिंथेसाइज करने के लिए यूज की जाती है. ठीक है, जैसे कि हमारा चैप्टर ये अमाइन चल रहा है. ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो थैलामाइड है, ठीक है, थैलामाइड थैलिक एसिड और उसका फिर उससे बना अमाइड, वो कुछ इस तरह से. ठीक है, थैला अमाइड, ये हमारा थैलामाइड. ठीक है, ये हमारा थैलामाइड. ठीक है, थैलामाइड
react with alcoholic KOH. क्लियर है? अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें थैलामाइड का साल्ट मिलता है पहले, ठीक है? पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड, ठीक है? वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है? दैट इज के. क्लियर है? दैट इज साल्ट ऑफ थैलामाइड, ठीक है? जो हमारा थैलामाइड है उसका साल्ट मिला हमको, ठीक है? अब इसी साल्ट को हम क्या करते हैं, अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है? अल्किल हैलाइड के साथ. और ये जो अल्किल हैलाइड है ये क्या होता है, यहां पर ऐड हो जाता है, पोटेशियम यहां से निकल जाता है, ठीक है? क्लियर है? तो हमें क्या मिलता है, ये हैलाइड और ये पोटेशियम, मतलब पोटेशियम हैलाइड हमें मिल जाता है, और ये जो अल्किल ग्रुप है ये नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाता है, और हमें फिर फर्दर जो प्रोडक्ट मिलता है वो किस इस तरह से होता है, ठीक है? अच्छे से देखिए आप, फर्दर जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, दैट इज आर, और ये हमारा आर, ठीक है? जो अल्किल ग्रुप है अब नाइट्रोजन के साथ ऐड हो गया. अब इसी रिएक्शन में हम फिर से क्या करते हैं, हमारा KOH को ऐड करते हैं, ठीक है? और KOH क्या करता है, यहां से नाइट्रोजन को निकाल देता है बाहर, ठीक है? और हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड, ठीक है? पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड, ठीक है? इट इज द पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड, ठीक है? पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड. और उसी के साथ हमको हमारा मेन प्रोडक्ट जो है दैट इज आर एन एच टू भी मिलता है, और यही हमारा जो है मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का. इस रिएक्शन में अमाइन, प्राइमरी जो अमाइन है दैट इज 1 डिग्री अमाइन जो होता है क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो इस तरह से हमने थैलामाइड की जो रिएक्शन है दैट इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, उसको बड़ी अच्छे से समझने की कोशिश की है. एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि इस रिएक्शन में होता क्या है. हमारा जो थैलामाइड है पहले हम उसको रिएक्शन करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, फिर बाद में हमें मिलता है साल्ट ऑफ थैलामाइड, ठीक है? क्लियर? इस तरह से फिर बाद में हम क्या करते हैं, ये जो साल्ट है थैलामाइड का उसको हम RH मतलब अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, यहां से पोटेशियम जो है निकल जाता, वो चले जाता, पोटेशियम हैलाइड बन जाता, और फिर बाद में ये जो R ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाता, ठीक है? फिर इसी में हम फिर अल्कोहलिक KOH फिर से ऐड करते हैं, और फिर बाद में हमें थैलिक एसिड का साल्ट और उसके साथ हमारा जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज प्राइमरी अमाइन इसमें मिलता है, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है? इसके बाद हमारी लास्ट की रिएक्शन है दैट इज हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है? उस रिएक्शन को आज हम समझने की आप कोशिश करेंगे. लास्ट की रिएक्शन है आप, ठीक है? बने रहिए. लास्ट रिएक्शन वी हैव टू स्टडी, द नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है? ये रिएक्शन में अमाइड से अमाइन बनता है, ठीक है? आर सी ओ एन एच टू, ठीक है? ये है आपका अमाइड. अमाइड रिएक्ट विथ बी आर टू एंड एन ए ओ एच, ठीक है? अमाइन रिएक्ट विथ बी आर टू एंड एन ए ओ एच. तो क्या होता है, बेसिकली ये जो एन एच टू ग्रुप है वो डायरेक्टली यहां चला जाता है, ठीक है? और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो ग्रुप है यहां से निकल जाता है, ये एन एच टू यहां पर बन जाता है, ठीक है? तो हमें क्या मिलता है, आर एन एच टू, ठीक है? आर एन एच टू मतलब हमारे प्राइमरी अमाइन हमें यहां पर मिलता है. ये रिएक्शन बहुत फेमस है जिससे हम अमाइड से अमाइन बनाते हैं, ठीक है? और उसके साथ हमें मिलता है दैट इज हमारा एन ए बी आर प्लस एन ए टू सी ओ थ्री, और उसके साथ हमारा एच टू, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है? एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि द रिएक्शन इन विच
amide react with bromine along with the NaOH. We get primary amide along with the sodium bromide, sodium carbonate and along with the water. ठीक है, the reaction in which we will prepare amine from the amide with the help of bromine and NaOH. That type of reaction is called as Hoffmann bromamide reaction. ठीक है, तो इस तरह से ये जो तीन reaction थी हमारी, Smith reaction, Gabriel thalamide reaction, उसके बाद Hoffmann bromamide reaction, उसको हमने समझने की कोशिश की है. ठीक है, लिख लो इसको.